जिस प्रकार दक्षिण भारत में तिरुपति का मंदिर, सेंट एंटोनी का गिरजाघर और कलकत्ता में मां काली का मंदिर, राजस्थान में अजमेर शरीफ, पंजाब में दरबार साहिब अमृतसर और उत्तर प्रदेश में केदारनाथ का मंदिर है, उसी प्रकार झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में शिव का सदियों पुराना मंदिर है, जिसे बाबा बैजनाथ धाम के नाम से पुकारा जाता है। शिव के इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है, यहाँ शिवलिंग की स्थापना बजाय धरती के ऊपर होने के धरती के नीचे है। कहते हैं रावण ने किसी कारण क्रोध में आकर शिवलिंग को अंगूठे से दबाकर जमीन में धंसा दिया था। उस अंगूठे का चिन्ह आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। यूं तो हर रोज लोग हजारों की संख्या में बैजनाथ धाम आते हैं, मगर श्रावण के महीने में ये दृश्य देखने के योग्य होता है, जब देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में एक ही प्रकार के गेरुआ वस्त्र पहने स्त्री पुरुष, जवान बच्चे और बूढ़े सुल्तानगंज नामक स्थान में आकर गंगा जी में स्नान करके गंगा जल कांवर में रखते हैं और बोलबम का नारा लगाते हुए बाबा बैजनाथ धाम पहुंचने के लिए 60 मील की यात्रा पैदल तय करते हैं। यात्रा के दौरान यात्री भले ही कहीं भी बैठे या सोए, उनके कांवर सदा किसी चीज के सहारे टंगे होते हैं, ताकि गंगा जल से भरे बर्तनों का स्पर्श जमीन के किसी ऐसी वस्तु से ना हो जो स्वच्छ नहीं। कोई शरीर और स्वास्थ्य के लिए, कोई धंधे व्यापार में धन की वृद्धि के लिए, कोई प्रेम और विवाहित जीवन में सफलता पाने के लिए, तो कोई संतानों उत्पत्ति के लिए बाबा के दरबार में आते हैं। बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में जो भी सच्ची भावना के साथ गंगा जल चढ़ाता है, उसकी सुनवाई होती है, ऐसा लोगों का विश्वास है।